सकते हो, हमने जहाँ से चलना शुरू किया था वापस उधर आ गया। मैं एक बार आपको रेड लाइन दिखा दूँ, तो इधर हमने 0 लिखा था, तो 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर आने में। अभी मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ कि कितना किलोमीटर टोटल चला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 96.9 किलोमीटर, तो 94.9 से स्टार्ट किया था, अभी 96.9 किलोमीटर हो रहा है। तो अभी मैं अपना ओकिनावा स्कूटी जो D30 का है उसको भी मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। पहले मैं अपना स्कूटी एक बार आपको दिखा दूँ, और इसका जो मीटर है मुझे नहीं पता अभी ये कितने में है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मीटर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो 17,542 किलोमीटर मैंने चला है। तो मैं थोड़ा सा पिकअप दे के इसको 43 पे लेके आता हूँ, अभी 42 पे है। तो आप सबको भी समझने में आसानी होगी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। इसमें पॉइंट और वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए 42 जब ये 43 हो जाएगा तो 1 किलोमीटर इसका हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो 43 किलोमीटर हो गया है, 17,543। तो 1 किलोमीटर मैंने इधर ही खड़ा होके पिकअप दे दिया। अभी मैं गाड़ी को चलाना चालू कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 43 है अभी भी, और मैंने चलाना चालू कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सब सपोर्ट करोगे तो मैं आगे वीडियो लेके आ पाऊंगा। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हो 43 हैं, ये 44 हो गया। तो मैंने 1 किलोमीटर चला लिया है। तो अभी इससे इधर भी मैं एक मार्किंग कर देता हूँ, तो अभी इधर भी मैं एक मार्किंग कर देता हूँ। लेकिन पेट्रोल बाइक को जब चलाया था वो बहुत आगे था, आगे तक गया था 1 किलोमीटर, ये पहले ही 1 किलोमीटर ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको उधर भी लेके जाके दिखा दूंगा कि कहाँ मेरा पेट्रोल बाइक का ख़त्म हुआ था। मैं इधर थोड़ा सा मार्किंग कर लूँ, तो इधर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक बाइक का 1 किलोमीटर, तो E1 लिख देता हूँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ मेरा पेट्रोल बाइक का 1 किलोमीटर पूरा हुआ था। सो ये रहा दोस्तों 1 किलोमीटर जो पेट्रोल बाइक का था। तो आप देख सकते हो कितना दूर, कितना डिस्टेंस पे जाके ये पेट्रोल बाइक का 1 किलोमीटर पूरा हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ ओकिनावा कंपनी क्या दावा करता है। वो बोलता है कि एक बार फुल चार्जिंग लेने के बाद उनकी गाड़ी 70 किलोमीटर चलता है। तो आप सबने खुद देख लिया कि पेट्रोल का 1 किलोमीटर कितना है और इलेक्ट्रिक जो ओकिनावा स्कूटी है उसका 1 किलोमीटर कितना है। तो आप सब खुद कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। अभी जो मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटी का 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, उससे और 300 मीटर जाने के बाद पेट्रोल बाइक का 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है। मैं आपको फिर वापस लेके जाके दिखा देता हूँ कि कितना दूर है जो पेट्रोल बाइक का कंप्लीट हुआ था मेरा। मैं यू टर्न लेके फिर जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक बाइक का जो मैंने मार्किंग किया था उसमें, और एक बार मैं आप सबको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो 44 से 45 हो गया है और मेरा अभी भी डेस्टिनेशन पहुंचा नहीं है। तो अभी बीच रास्ते में 2 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और काफ़ी दूर है अभी भी जहां मुझे पहुंचना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जहाँ से हमने चलना शुरू किया था उधर हम लोग पहुँच गए। ये रेड लाइन 0 से हमने चलना शुरू किया था, ये गली वाला मार्किंग। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पेट्रोल बाइक और इलेक्ट्रिक बाइक का जो स्पीड है वो कितना सही है। तो दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हो कि हम लोग दोनों पास पास गाड़ी चला रहे एक दूसरे के साथ और हमारा जो स्पीड दिखा रहा है, मेरा जो दिखा रहा है अभी 21 और इसका 19, तो स्पीड डिफरेंस भी आपको पता लग गया होगा। आप देख सकते हो 20 और 23, तो आप समझ सकते हो कि स्पीड भी जो दिखाता है इलेक्ट्रिक स्कूटी का वो पेट्रोल बाइक से सेम नहीं है, डिफरेंस स्पीड दिखाता है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप 40 के स्पीड पर जा रहे हो तो नहीं, आप कुछ 32-33 के स्पीड पर चल रहे हो। आप देख सकते हो अभी 22 इधर दिखा रहा है, 23 पेट्रोल बाइक में दिखा रहा है और मेरा 28, 29, 30 हो गया। पेट्रोल बाइक में 27 दिखा रहा है और मेरा 30 स्पीड। हम दोनों पास पास चल रहे, एक संग चल रहे, फिर भी डिफरेंस स्पीड पे। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ऐसा वीडियो कोई YouTube में अपलोड किया होगा इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक को लेके। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।